नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आक्रोश आंदोलन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यह आयोजन कमलनाथ सरकार के खिलाफ किया गया। सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता आक्रोश आंदोलन में सम्मिलित हुए। इस धरने में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिरकत की। देखिए, आपके मांगे ये हैं कि जो सरकार ने कुछ वादे किए थे, आंदोलनकारी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उनका कहना है कि जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे समय पर पूरे नहीं किए। उन्होंने ज्ञापन आईना भी दिया है। हाँ, ये भी एक सांकेतिक है। उनका कहना है कि भाई आप जो वादे किए थे, एक भारतीय परंपरा है कि भाई आप अपना आईना देख लें। उनका आग्रह है कि भाई ये भी हमारे ज्ञापन का हिस्सा है, इसको भी भिजवा दिया जाए। हम बेरोजगार युवाओं के साथ गठित हुए थे क्योंकि सरकार ने अपने वचन पत्र में ये आश्वासन दिया था कि बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता दिए, लेकिन आज तक वचन पत्र, उस समय तो लग रहा था कि प्रवचन पत्र है लेकिन वो रद्दी की टोकरी साबित हो रहा है और किसी भी बेरोजगार को अभी तक कोई भी भत्ता नहीं मिला है और ना कोई उसकी अग्रिम कार्रवाई की है। इसके विरोध में युवा और हम सब लोग एकत्रित हुए थे। आज सांकेतिक है, अगर हमारा ये आश्वासन जो दिया उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार बेहद आगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाड़ न्यूज, नरसिंहपुर।